नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, अगले 3 दिनों में इन 3 चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। 3 बड़ी उपलब्धियां आप लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों, ग्रह की उल्टी चाल आप लोगों के जीवन में बड़ा बवाल करने वाली है। दोस्तों, 7 जन्मों में पहली बार इतना बड़ा ग्रह गोचर का बदलाव आपकी राशि में होने वाला है। आपसे बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी के ऊपर भी आंख मूंद के भरोसा ना करें, क्योंकि दोस्तों वे बड़ा ही मूर्ख होगा जो आज की इस वीडियो को नज़रअंदाज करने की गलती करेगा और इसे शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप थोड़ी समझदारी दिखाइए और अंतरिक्ष में हो रहे ग्रह गोचर के बदलाव को अभी जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो का निर्माण केवल और केवल आपकी सावधानी को ध्यान में रखकर किया गया है। इसलिए इन 3 दिनों में कुछ खास सावधानी रखनी है। थोड़ा उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन दोस्तों कुछ खुशियों के पल भी आप लोगों को इन 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं अपने जीवन में। सबसे खास चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, इन 3 दिनों में कुछ ऐसे बड़े नक्षत्रों के बदलाव हैं जो कि दोस्तों बड़ी कृपा आप पर बरसाने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उतार चढ़ाव हैं, उन्हें भी अब जल्दी ही उनकी मुश्किलों का हल मिलने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे ज़रूर लगाएँ और इसके साथ ही वीडियो को एक प्यार सा लाइक करके चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए उन 3 खास चेतावनियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिसके अंतर्गत आप सफल हो सकते हैं। आपकी राशि के जातक जो हैं उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा कार्य करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, काम का दबाव अपने ऊपर ना डालें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। शांत स्थितियां भी आप लोगों को बनाए रखनी है व अपने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भी नए बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, सुनने के बाद में मन थोड़ा प्रफुल्लित हो सकता है। इसमें आप लोगों को बेहतर सकारात्मक रचनात्मक नए 3 बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जल्दबाजी में कोई काम ना करें वरना बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, कोई गैर जिम्मेदार काम ना करें दोस्तों, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ सके। काम का प्रेशर थोड़ा रह सकता है। पुराने काम में वाद विवाद जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, कुछ समय आपके लिए राहत के सांस ले सकते हैं। काम करने का तरीका आपके साथ लोगों को भी प्रभावित करेगा। वहीं इसी के साथ साथ बड़ी सफलता की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भाग्य का साथ मिलने वाला है। संतान पक्ष की तरफ से भी कुछ खास उपलब्धियां मिलेंगी जो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में 4 गुना बढ़ोतरी करने वाला है। स्टील से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जिसमें आप पिछले समय अंतराल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। जो लोग दूध का व्यापार करते हैं उन लोगों को भी दूध में काफ़ी लाभ मिल सकता है। व्यापार में, उद्योगों में काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपके मन में शांति बनी रहेगी। दोस्तों, लव मेट्स के लिए भी दिन काफ़ी अच्छा है और दोस्तों आपके शुभ काम भी जल्द ही बनने वाले हैं। प्रेरणादायक स्रोत का इंतजार करिए। सामाजिक कार्यों में क्षेत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। लोहे के व्यापारियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा व्यतीत होने वाला है। बातचीत का थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है। मन परेशानी से भी आपका थोड़ा परेशान हो सकता है। दोस्तों, यदि आप बातचीत का ख्याल रखेंगे, अपनी बातचीत के तरीके ख्याल रखेंगे, आप अच्छी बातचीत करेंगे, आपने बहुत सारी परेशानी हल भी हो जाएगी। आपसी व्यवहार में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अध्यात्म में भी अधिक रुचि रह सकती है। दोस्तों, बिजनेस में आपकी कोई बहुत बड़ी डील आज पक्की हो सकती है। ग्रह जीवन में दोस्तों हल्का सा तनाव देख सकता है, लेकिन आप जो है, आप पर सुलझा हुआ व्यक्तित्व, इस तरह के
अस्तित्व चीज़ों को सजा देगा। दोस्तों छात्र आज आप अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर के अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में आज आपको अपने मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है। स्टील का कारोबार कर रहे वाले कारोबारियों को काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों आप जीवन साथी के साथ में भी बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन दोस्तों आप इसे बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोस्तों संपूर्ण कार्य आपका हो सकता है। पढ़ाई में कुछ नया बदलाव करने की ज़रूरत है। उच्च अधिकारी से किसी से मिलकर आप अपना नया समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद रहने वाली है। दोस्तों आज आपका पूरा दिन ऑफिस में व्यस्तता से भरा रहेगा, परंतु दोस्तों शाम को अपने परिवार के साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं। आज के लिए दोस्तों आपका दिन काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों दिन आपका अच्छा बीतने वाले हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको प्रसन्न रखेगा, मन ही मन प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों आज आपको कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो दूसरों के लिए सही नहीं हो। दोस्तों आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः आपको थोड़ा खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। और दोस्तों आपको आपसी संबंधों में भी थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, जिसे देकर के दोस्तों आगे आने वाले भविष्य के लिए ये चीज़ सही नहीं रहने वाली है। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा। आज दोस्तों कुछ उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं। लोगों को आपसे किसी तरीके की इच्छा हो सकती है। आज कुछ नए किस्म से लोगों से मिलकर आप अपने तजुर्बे को और भी बढ़ा सकते हैं। परिवार के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। भविष्य की चिंता आपको कहीं ना कहीं आमतौर पर परेशान कर सकती है। आज दोस्तों पूरा दिन व्यस्तता से भरा हो सकता है। दोस्तों आपका दिन व्यस्तता के बावजूद भी सुकून भी कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो दोस्तों आपको कोई नया परिणाम हासिल हो सकता है। पॉजिटिव वे में भी अगर देखा जाए तो दोस्तों आपका समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, आपके जीवन में कई सारी ऐसी परेशानियां आई हैं, लेकिन उसका आपने सामना बहुत ही डटकर किया है। कुछ ऐसी ही मुश्किलें अब आपके सामने खड़ी हुई है। वक्त है बस इस बात का कि आप उसका सामना कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं। संतान पक्ष की तरफ से भी नई समाचार आपको मिल सकते हैं, जो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। दोस्तों विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में विफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कहीं ना कहीं गिरावट हो सकती है, इसलिए दोस्तों विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके साथ ही दोस्तों आत्मबल आपका नीचे गिरता जा रहा है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दो आपके लिए जो समय होगा, दोस्तों आपकी अधिक मेहनत लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस समय आपको कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जिसके द्वारा दोस्तों आप अपने जीवन में कोई नई दिशा भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों अगर आपकी करियर को लेकर बात की जाए, अर्थात आपके व्यवसाय की, दोस्तों मार्केटिंग या फिर विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय दोस्तों यदि कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उसे संबंधित योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है। और दोस्तों इस समय ऑफिस में जो लोग हैं उनके साथ में आपकी व्यवस्था जो है थोड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको उनके साथ में रिश्ते को सही बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो दोस्तों आपके कंधों में व जोड़ों में दर्द रह सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।